पानी अभी साफ नहीं है। आज मैं आया हूँ डेली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों को यहाँ का नज़ारा देखने को मिलेगा और स्कूल कैसा है, यहाँ हॉस्टल भी उपलब्ध है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू कर दें। दोस्तों ये है डेली पब्लिक स्कूल और ये है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को इस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और यहाँ का नज़ारा आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, और हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे वो भी आप लोगों को जानने को मिलेगा वीडियो के अंत में। तो देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये कितना बड़ा एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पे हॉस्टल भी है और स्कूल भी है। यहाँ पे छोटे से बच्चे से लेकर 12वीं कक्षा तक यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं दोस्तों। इस स्कूल में दोस्तों सक्षम परिवार के बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ का फीस का आप लोग देखोगे, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि एक बच्चे से कितना फीस लिया जाता है। पहली से लेकर यहाँ पे 12वीं कक्षा के बच्चों को अलग अलग यहाँ पे सुविधाओं के अनुसार यहाँ पे फीस रखा गया है। तो आप लोगों को यहाँ पे जानकारी, और ऐसे स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम होते हैं दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं लोग को यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को जानकारी मिलने वाला है। जब हम स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे हमें बच्चों के द्वारा ट्रॉफीज प्राप्त की गई है और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स जो यहाँ पे इवेंट होते हैं उनका आप लोगों को फोटोग्राफ देखने को मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों का यहाँ पे फीस कार्ड दिया हुआ है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कितना कितना फीस लगेगा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए। एक साल का फीस यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। दोस्तों इस दीवार में लगा हुआ है आप लोग देख रहे हैं, ये है यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, मैम हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनका क्लास नीचे में लगता है, उसके बाद जो बड़े बच्चे होते हैं उनका क्लास ऊपर में लगता है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा है और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश किया गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के बोर नहीं होते होंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। अभी आप लोगों को कक्षा में ले जाकर दिखाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ का क्लासरूम दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है यहाँ का क्लासरूम, और सभी क्लासरूम एक जैसे नहीं रहता, सभी का डिज़ाइन अलग अलग है, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग। तो हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं सभी क्लास को। तो फिलहाल यहाँ का हॉल इस तरह से है, और सभी दीवार में बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनका पूरा योगदान के साथ फोटो लगा होता है दोस्तों, तो उसके बारे में काफ़ी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ये है इस स्कूल का कैंटीन, यह हम लोग कह सकते हैं भोजनालय। यहाँ पे जितने भी होते हैं यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और यहाँ हॉस्टल के बच्चे भी यहाँ पे भोजन करने के लिए आते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाथ धोने के लिए बनाया गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे नल लगे हुए हैं, और यहाँ छोटे बड़े बच्चे के लिए यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे हाथ धो सकते हैं। और दीवारों में अच्छा अच्छा फोटोग्राफ्स लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, आगे मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यहाँ फोटोग्राफ्स लगा हुआ है कि हाथ को कैसे धोएं, छोटे छोटे बच्चे को पता नहीं होता कि हाथ को कैसे धोना है, तो काफ़ी अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों जो नर्सरी के बच्चे होते हैं उनका क्लास नीचे में लगता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे पेंटिंग किया गया है। और चलिए आप लोगों को क्लास के अंदर ले जाकर दिखाते हैं, यहाँ से आप लोग क्लास का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। जो बच्चे लोग होते हैं उनका मनपसंद कार्टून यहाँ पे छोटा भीम आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। सभी जो क्लास हैं उसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो डिजिटल तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता है दोस्तों। जिस तरह से क्वालिटी दे रहे हैं पढ़ाई में, उसी तरह से यहाँ पे फीस भी उतना ही ज़्यादा है दोस्तों।
तो आप लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट जो स्कूल रहते हैं उसमें यहाँ इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को सुविधाएँ आप लोगों को मिल जाती है। दोस्तों अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं यहाँ का हॉस्टल का नज़ारा। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहते हैं वो हॉस्टल में रह सकते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। हॉस्टल और स्कूल पास में ही है, आप लोग आसानी से आ जा सकते हैं। तो ये है हॉस्टल का प्रवेश द्वार, और चलिए आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं यहाँ का कमरा कैसा होता है और हॉस्टल में माहौल कैसा होता है। दोस्तों ये है अंदर का हॉस्टल का नज़ारा, और इस हॉस्टल में बहुत सख्त रूल है। यहाँ पे आप लोग मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते, यहाँ तक कि स्टूडेंट लोगों को पैसा भी रखना मना है। पैसा आप लोग यहाँ नहीं रख सकते, एक स्टॉप होता है उनके पास रखना होता है, और अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तभी उस पैसे का यूज़ कर सकते हैं। अंदर में सभी सुविधाएँ उपलब्ध है दोस्तों, जो चीज़ मंगाओगे वो चीज़ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाता है। तो इस तरह से ये है, और काफ़ी छोटे से जगह में हॉस्टल को ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ का हॉस्टल में कमरा कैसा होता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहेगा दोस्तों। इस तरह से होता है यहाँ पे, देखिए ये होता है बेड्स, इस तरह के यहाँ के बेड्स होते हैं दोस्तों। दोस्तों इस स्कूल में मैदान की कोई कमी नहीं है, सभी प्रकार के आप लोगों को मैदान देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, सभी प्रकार के मैदान आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्कूल में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार एक ही बनाया गया है, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आप लोग इसी प्रवेश द्वार से आना जाना करेंगे दोस्तों। इस स्कूल में अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है। तो ये कौन सा स्टेडियम है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, अभी के अभी। इस स्कूल में स्विमिंग भी होता है दोस्तों, यहाँ पे स्विमिंग जो स्पोर्ट होता है उसमें भी भाग लिया जाता है, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छा सभी सुविधाएं यहाँ पे मुझे देखने को मिला। और इस तरह के स्कूल में कभी कभार आने को मिलता है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त स्कूल है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ये अच्छा है कि नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह की सुविधाएं होने चाहिए कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पानी अभी साफ नहीं है, दोस्तों आप लोगों को वीडियो के अंत में मुझे बताना था कि हम लोग इस स्कूल में क्यों आए थे। तो जो मेरे मामा के लड़के हैं वो 9वीं क्लास में एडमिशन लिए हैं इस स्कूल में, तो उसे हम लोग यहाँ पे छोड़ने आए थे दोस्तों, बस इतना ही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।